दोस्तों, कई बार जिंदगी में हम कोई ना कोई मुश्किल में फंस ही जाते हैं और उस समय हम इतना छटपटाते हैं कि काश कोई बाहर से आकर हमें बाहर निकाल ले। परंतु ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है। हमें ना केवल उस मुसीबत से बाहर निकलना है परंतु अपनी सूझबूझ, दिमाग और एक्सपीरियंस का फायदा निकालकर उस सिचुएशन को बुरी तरह से हराना है। नहीं समझे तो लीजिए, मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूं। कहानी का शीर्षक है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कई साल पहले की बात है कि एक छोटे से शहर में एक साहूकार लोगों को काम धंधे और उनकी आम जिंदगी की जरूरतों के लिए ऋण दिया करता था, यानी कि लोन दिया करता था। वह साहूकार थोड़े से ऋण पर भी बहुत अधिक ब्याज लेता था। लोग उससे उधार तो ले लेते थे परंतु कई बार उसकी पूरी राशि समय से नहीं चुका पाते थे और काफी लंबे समय तक उसके कर्जदार रहते थे। एक बार की बात है कि एक व्यापारी अपने व्यापार में मंदी से उभरने के लिए उस साहूकार से कुछ ज्यादा ही ऋण ले आया और उस धन को अपने व्यापार में लगा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसको व्यापार में तरक्की नहीं मिल पाई, बल्कि और अधिक नुकसान हो गया। बढ़ते हुए घाटे की वजह से अब व्यापारी उस साहूकार का ऋण उतारने में भी असमर्थ हो गया। व्यापारी की एक बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी जिस पर साहूकार मोहित हो गया था और उसे अपना बनाने का लालच उसके मन में आ गया। जब व्यापारी का कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया तो साहूकार व्यापारी के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि आपका पूरा कर्जा माफ हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें और बदले में धन तो चुकाना नहीं पड़ेगा। व्यापारी को यह समझते देर नहीं लगी कि साहूकार की नजर उसकी बेटी पर है। व्यापारी सोच में पड़ जाता है, एक तो वह ऋण चुकाने में असमर्थ है और वह अपनी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है, इसलिए व्यापारी ने साहूकार को साफ साफ मना कर दिया। साहूकार व्यापारी की स्थिति समझ जाता है और वह उससे अपना दूसरा प्रस्ताव रखता है। साहूकार कहता है कि वह एक थैली में एक काला और एक सफेद कंकड़ रखेगा। अगर व्यापारी की बेटी आंखें बंद करके थैली में से सफेद रंग का कंकड़ निकालती है तो वह उससे शादी करेगा और सारा कर्जा भी माफ कर देगा, और यदि उसकी बेटी काला कंकड़ निकालती है तो उसको शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और कर्जा भी नहीं चुकाना पड़ेगा। साहूकार व्यवसायी के बगीचे से दो कंकड़ उठाता है और एक थैली में रख देता है, परंतु वह दोनों ही कंकड़ सफेद उठाता है। व्यापारी की बेटी साहूकार की चालाकी देख लेती है और साहूकार की चाल खूब अच्छे से समझ जाती है। अब साहूकार लड़की के पास जाता है और उससे बिना देखे थैली में से एक कंकड़ उठाने को कहता है। दोस्तों, व्यापारी की बेटी के पास स्वाभाविक रूप से तीन अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प थे, जो कि पहला, थैली से कंकड़ निकालने से इनकार करते, दूसरा, थैली से दोनों कंकड़ को बाहर निकालकर साहूकार की चालाकी का पर्दाफाश करते, और तीसरा, थैली में से एक कंकड़ को निकालकर अपनी पिता की आजादी के लिए खुद का बलिदान दे दे। तभी उसे एक युक्ति सूझती है और वह थैली में से एक कंकड़ तेजी से निकालती है और बिना साहूकार को दिखाए नीचे पड़े अन्य कंकड़ों में गिरा देती है और बोलती है, ओह, मैं भी कितनी नादान हूं, कंकड़ देखा भी नहीं और वह गलती से मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। लेकिन कोई बात नहीं, थैली में दूसरा कंकड़ तो है, उसे देखने से पता चल जाएगा कि मैंने कौन से रंग का कंकड़ पहले उठाया था। साहूकार यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और ना चाहते हुए भी उसे थैली से दूसरा कंकड़ निकालने को कह देता है, जो सफेद ही होता है। अब व्यापारी चैन की सांस लेता है क्योंकि उसकी बेटी की समझदारी के कारण वह साहूकार के चालाकी से बिछाए गए जाल से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, कहानी की सीख क्या है? इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें केवल उन विकल्पों पर ध्यान नहीं देना है जो सामने दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कुछ हटकर कुछ नया रास्ता भी निकाला जा सकता है।
तो मित्रों कैसी लगी कहानी? मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा कहानियों के वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगते हैं और आपको इससे प्रेरणा भी मिलती है। अपने कमेंट्स जरूर हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भेजिए। मैं आपके कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ूंगा और यथासंभव जवाब भी दूंगा। नमस्कार।